से वो सांसद बने आज तक सूरत भी नहीं देखी, केवल से फजलुर रहमान आज तक सूरत भी नहीं देखी। पड़ी ना तो टिकट, चाहे वो हिंदुओं को तो टिकट, लेकिन हम हिंदू भाई के साथ है। हमारे हमारे वार्ड में देख लो 13 में जाके कम से कम 100 मकान बने हुए। बाबा के सिवा मामला नहीं कुछ भी, यादव सब खत्म पड़े। बेहट विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां के मौजूदा विधायक हैं नरेश सैनी। गरमा रही है यहां की सीट, क्योंकि इस बार इमरान मसूद भी कह रहे हैं कि मैं बेहट से चुनाव लड़ूंगा और सपा के उमर अली खां भी अपनी किस्मत आजमाने में लगे हैं। लेकिन फैसला तो जनता के हाथ में, ये जानते आखिर बेहट की जनता किसे वोट देगी। क्या लगता है आपको इस बार नरेश सैनी जी विधायक रहे यहाँ के गठबंधन में, काम किया यहाँ के लोग? नहीं, काम कुछ नहीं करा, कुछ नहीं काम करा। इस बार क्या लगता है नरेश सैनी जी विधायक बनेंगे, गठबंधन होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं बनते जी भाई साहब, नंबर भी नहीं आता। इस बार तो ये कहा जा रहा है कि सपा अलग चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ेगी, इमरान मसूद कह रहे हैं कि मैं बेहट से चुनाव लड़ूंगा, क्या लगता है आप? कोई भी चुनाव लड़ो, यहाँ तो बीजेपी क्लियर है। हाँ क्लियर बीजेपी, हम तो बीजेपी को वोट देंगे भाई साहब। बाबा जी है यहाँ तो, बाबा जी। कहा जाता है कि मुस्लिम बहुल इलाका है बेहट, सारे मुस्लिम है जी? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कहने की बात है। हाँ सब कहने की बात। लेकिन तीन तीन मुस्लिम नेता यहाँ पे अपनी किस्मत आजमाने में लगे हैं, इमरान मसूद कह रहे हैं। तो रहा कोई नहीं, देख तो रहा कोई नहीं, कौन देख रहा है? देख तो रहे, यही देख रहे हैं, यही सबका कर रहे हैं। गरीबों के मकान बनवा दिए, अनाज फ्री आ रहा, सब कुछ यही कर रहे हैं सब कुछ। वो तो कुछ भी नहीं कर रहा है, कोई देखने वाला भी नहीं, ना सुनने वाला ना कहने वाला। कहीं ना कहीं लोकल जो विधायक थे नरेश सैनी, उनकी कोई भूमिका नहीं रही, फील्ड में ही नहीं है वो फील्ड में ही नहीं है। सांसद हैं जी फजलुर रहमान, उनका भी कहीं नजारे नहीं होते, कोई नामो निशान नहीं है, उनको कोई जानता भी नहीं है कि सांसद। जब से वो सांसद बने आज तक सूरत भी नहीं देखी, केवल थे फजलुर रहमान आज तक सूरत भी नहीं देखी। फिर भी जावे था उसमें आता जाता झंडी लगी हुई दिक्को जाती, सांसद जी जा रहे आ रहे, लेकिन उनका तो देखा ही नहीं आज तक, सांसद जी का तो चेहरा भी नहीं देखा, नजर भी नहीं आया, कैसे कहां रहे हैं। इस बार लोगों का कहना है कि अगर गठबंधन में चुनाव होता है तो फिर से नरेश सैनी जीत जाएंगे, अलग अलग चुनाव जीतते, कुछ नहीं, सब कहने की बात है जी, सब कहने की बात। बीजेपी के अलावा कौन जीतता है? जीतेगा बीजेपी बाबा। ऐसा क्या हो गया कि लोग तो कह रहे हैं कि योगी जी से डरे हुए मुसलमान, इसलिए बीजेपी को वोट दे? मुसलमान खड़े, ये सारे मुसलमान खड़े, देख लो देख लो, हमारा तो और समर्थन कर रहे हैं, हम क्यों डरेंगे उनसे? हमें तो हर तरह की सुविधा मिल रही है। कि बीजेपी तो टिकट ही नहीं देती है मुसलमानों को, पड़ी ना तो टिकट, चाहे वो हिंदुओं को तो टिकट, लेकिन हम हिंदू भाई के साथ है। हमारे तो कार्य हो जाए, ये काफी हमारे लिए हो रहा है, सरकार सुविधा मिल जाए, ये काफी हमारे लिए सर, हर तरह की सुविधा। हाँ जी हाँ जी, उमर अली खां है जी, हमारी बसों को बहुत परेशान कर रहे हैं टेम्पो वाले, हमारी बसों का समाधान करो जी। इस बार कहा जा रहा है कि उमर अली खां सपा से टिकट मांग रहे हैं, अगर टिकट हो जाता है तो उनका भी कोई मतलब जीतने कोई मतलब नहीं है जी, कुछ नहीं है, बीजेपी बहुत दूर है। तो इसकी उम्मीद है इस बार यहाँ आने की बीजेपी? बीजेपी से कौन आ रहा है? जो भी आएगा बीजेपी के टिकट से, जो भी आएगा। महावीर राणा, महावीर महावीर राणा जी अगर आ गए फिर तो सोने पे सुहागा। लेकिन अगर गठबंधन हो जाता है? कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं, क्या गठबंधन हो चाहे कुछ हो, यहाँ तो क्लियर बीजेपी, क्लियर बीजेपी। मोमडन मोमडन इलाकों में जाके आप सर्वे कर लो, ज्यादातर सबका रुझान जो है ना मकान बन गया, वोट किसे देगा? ये विपक्षी तो कह रहे हैं कि कागजों में मकान बने हैं सिर्फ, नहीं नहीं सब बने। हमारे हमारे वार्ड में देख लो 13 में जाके कम से कम 100 मकान बने हुए प्रधानमंत्री आवास योजना से, देख लो जाके दरवाजे में देख लो, आप जाके सर्वे करो आप खुद। तो कहीं ना कहीं इस बार बेहट का मुसलमान जो है वो धार्मिक आधार पे वोट नहीं देगा? ना 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 ना, पार्टी के हिसाब से देगा वोट। जब वो मुसलमानों के घर बनवाना रहा हो, हिंदुओं के बनवा रहा हो, तो पहले मुसलमानों के बनवा रहा, फिर हिंदुओं के बनवा रहा बाद में। हमारे यहाँ राजनीति हिंदू मुसलमान की कितनी भी नहीं है, यहाँ तो सब एक है। अनाज कोटे में से मुसलमान को पहले मिल रहा, हिंदू को बाद में मिल रहा, सारे ले लेके पहुंच जाए तो है नहीं कि मुसलमानों को उन्होंने कह दिया तुम पीछे हटो। यहाँ तो आरोप लगता है कि बीजेपी धर्म विशेष की राजनीति करती है, सब बेकार है, सब बेकार। क्यों जी? हम तो क्लियर जो है ना, यहाँ हिंदू मुसलमान जानते ही नहीं, हिंदू मुसलमान के पास खड़ा मुसलमान। सबसे बड़ी बात गुंडागर्दी खत्म है, सबसे बड़ी बात गुंडागर्दी खत्म है। अच्छा मारे टेम्पो का मामला कर दो भाई जी, टेम्पो का तो मामला हो जाएगा, लेकिन आप ये बताइए कि जो लोकल नेता लगे हुए हैं
अपनी किस्मत आजमाने में, वो कह रहे कि हम मुस्लिम चेहरे हैं तो यहाँ के हो गए सब बीजेपी के सामने कोई नहीं फिलहाल है ही नहीं मामला कुछ भी बब्बा के सिवा मामला ही नहीं कुछ भी यादव यादव सब खत्म पड़े कुछ क्यों दिखाई दे रहे योगी से हाँ योगी पूरे खुश है बब्बा एकदम तो नहीं कस रहे ना ना टोट नहीं कस रहे कहा ये भी जा रहा है कि एक को गाड़ी में बीजेपी का डंडा लग रहा नहीं वो तो लग रहा कहा ये भी जा रहा है कि जो मुस्लिम लोग हैं उनके चेहरे पर कुछ और है और अंदर कुछ और सब साफ दिलो जान से सब एक तक भरती का यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई बात नहीं है सर हकीकत बात तो यह है यहाँ ऐसा तो नहीं है कि चेहरे पे कुछ और है और ना 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 आप डाल आइयो हमारा वोट हम दे दे मसूद यहाँ की पसंद नहीं है जी ना खमरान मसूद उन्होंने अपने अलावा किसी की राजनीति चलने ही नहीं दी स्वास्थ्य मंत्री रहे सारा कुछ करा उन्होंने बताओ क्या किया किसे मौका दिया मुसलमान को यहाँ मुजफ्फराबाद विधानसभा सीट में मसूद परिवार ने किसे क्या दिया वो बताओ हमें स्वास्थ्य मंत्री भी रहे कितनों को नौकरियां दिलवा दी यहाँ मुजफ्फराबाद रहमान पसंद है आज तक सूरत भी नहीं देखी फजलुर रहमान की रहमान उमर अली तक सूरत भी नहीं देखी कैसा फजलुर रहमान देखो आज तक जब से सांसद बने हमने सूरत नहीं देखी फजलुर रहमान है कौन और कैसा की बात करी योगी और अखिलेश में से कौन जीत रहा है कुछ नहीं योगी आदित्यनाथ ये कुछ और भी लोग हमारे साथ है उनसे जानेंगे क्या लग रहा है भाई साहब इस बार कौन जीत रहा है बेट विधानसभा से कौन जीत रहा है बेट विधानसभा से भाई जी यहाँ तो बीजेपी का ही नंबर आला चारों तरफ जी लोकल विधायक है नरेश सैनी अभी वो नहीं जीतेंगे इस बार बस देखने में तो अभी तक बीजेपी ही दिख रही है बाकी देखो ये लोग थे बैठ के जिन्होंने बताया आखिरकार वो लोकल के विधायक जो है यहाँ के उनसे खुश है या नहीं है गठबंधन होता है तब कौन जीतेगा गठबंधन नहीं होता है तब कौन जीतेगा खैर ये तो आने वाला वक्त बताएगा आगे की ऐसी खबरों के लिए बने रहिएगा बीजेटी न्यूज के साथ में प्रशांत दिमान से युग अक्षय के साथ नमस्कार खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।